साइंस ऑफ न्यूरोलॉजी रेगुलेट्स आवर फेट, अंक ज्योतिष, लाइफ डेस्टिनी एंड साइंस ऑफ नंबर्स. डू यू रियली बिलीव इन न्यूमरोलॉजी और इन फेट? यू मे नॉट. हाउएवर इट एग्जिस्ट्स फॉर यू, मी एंड एवरीवन. इट्स राइटली सेड, नंबर्स रूल्स द यूनिवर्स. लेट 90s में न्यूमरोलॉजी पॉपुलर होना शुरू हुआ था. आप किस डेट पे पैदा हुए हैं, आपके नाम में कितने अक्षर हैं, आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ और आगे जाके क्या होने वाला है, सब कुछ न्यूमरोलॉजी है. वेदर यू आर बॉर्न रिच और पुअर, टॉल और शॉर्ट, ब्यूटिफुल और अगली, यू कैनॉट कंट्रोल इट. इट इज कंट्रोल बाय फेट. नथिंग हैपन्स बाय चॉइस. न्यूमरोलॉजी हमारी और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है. लेकिन वो एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी से अपने लिए जवाब ढूंढे, बल्कि आज तक 18 लोग से भी ज्यादा लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव असर छोड़ गई हैं, जिनमें से फेमस पॉलिटिशियंस, सुपरस्टार्स एंड क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, जैसे कि हमारे लेट पीएम मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड लाइक फेमस पर्सनालिटी मिस शीला दीक्षित जी. न्यूमरोलॉजी को वो 40 साल से भी ज्यादा पढ़ती आई हैं. आज वो अनगिनत सोशल ग्रुप्स के साथ जुड़कर वर्ल्ड को बेहतर बना रही हैं. एंड शी हैज बीन एमिनेंट एक्टिव सोशल मेंबर ऑफ लाइनस क्लब सिंस 25 इयर्स. शी बिलीव्स इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड डेडिकेटेडली टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड. जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन फेसबुक हमारे साथ जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मिस रीता दुग्गल जी. मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कैचअप मॉम्स फेसबुक पेज पे. नमस्कार. मैम, पहले मैं शुरुआत में शुरू करना चाहूंगी, न्यूमरोलॉजी है क्या एंड आप इससे कैसे जुड़ी हैं? न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस, ये अंक ज्ञान है. ये जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 नंबर भी है, तो 9 नंबर्स का मतलब न्यूमरोलॉजी है. मैं इससे कैसे जुड़ी, मात्र 35 वर्ष में ही मेरे साथ एक हादसा हुआ. आई लॉस्ट माई हस्बैंड. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था जिंदगी कहाँ जा रही है. और मैं ये सोचती थी कि ये स्पेसिफिक डेट जो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, मेरे नंबर क्या थे, मेरे बच्चों के नंबर क्या थे. मैं उसी में उलझती रह गई. मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, करती रही और मुझे मेरा जवाब मिला भी. कहते ना, जहां आस्था वहां रास्ता, तो मैं इससे जुड़ गई और फिर आगे बढ़ती ही गई. अब आपने कैसे और कब तय किया कि नाउ दैट यू हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज, कि दूसरों के लिए भी ये नॉलेज यूज करेंगी? जब मैं इस मुकाम की तरफ बढ़ रही थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था, पर मैंने कहा ये ज्ञान मैं अपने तक नहीं रखना चाहती, मैं दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ. तो मुझे एक महिला मिली जो मेरी गॉड मदर बनी. उनका जब मैंने थोड़ा किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपको सब जगह बताऊंगी कि आप कहाँ हो. तो उन्होंने माउथ पब्लिसिटी की मेरी, एंड यू नो माउथ पब्लिसिटी इज द बिग पब्लिसिटी. तो मैं बढ़ती ही गई, पीछे मुड़ के देखा नहीं मैंने. तो इसी दौरान मेरे पास हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सनिल्ला मेरे पास आए. तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि आप सोच सकते हैं कि अब आने वाले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया. तो उन्होंने मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई, एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट. दैट्स ऑसम, दैट्स बॉलीवुड स्पोर्ट्स में मेरे पास पॉलिटिशियंस सब बहुत आए, आते गए. उसके बाद सिलसिला ये चलता रहा, जारी रहा, पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज तक नहीं देखा. वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज है. मैम, न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है हाउ टू कैलकुलेट. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज इट योर बर्थ डेट, मंथ एंड ईयर? व्हाट इज आवर डेस्टिनी नंबर? या हम सिर्फ बर्थ डेट से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं फ्यूचर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. जो न्यूमरोलॉजी, जब इंसान पैदा होता है तो 3 नंबर लेके पैदा होता है. हर बन
पहला उसका नंबर होता है, वो किस डेट पे पैदा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर वो किस मंथ पे पैदा हुआ है और उसकी ईयर की वेटेज क्या है, तो हम तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा उसको भाग्य का अंक बनता है, जिसको भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर कहते हैं, तो उसी के दौरान पे हम चलते रहते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या है, व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, तो ये सिलसिला जारी रहता है। तो 85 to 90% एक्यूरेसी इज इन न्यूमरोलॉजी। तो ये इतनी एक्यूरेसी है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। न्यूमरोलॉजी में देखें तो, हाँ न्यूमरोलॉजी में देखे तो, एस्ट्रोलॉजी में देखे तो 65 to 70% ज्योतिष शास्त्र जिसको हम कहते हैं, पर अंक ज्ञान में ये 85 to 90% तक होता है। अच्छा, that's a very insightful thing though. चलिए मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहूंगी मुझे 100 में से अभी तक 92% मिल चुके, इतनी एक्यूरेसी है। That's perfect. तो हम तो बिल्कुल आपके उसपे चल रहे हैं। चलिए मैम, इससे पहले कि व्यूअर्स के क्वेश्चन को लें, आप के पास मेरी बर्थडे तो है ही, सो आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्रेडिक्शन मेरे बारे में कर दीजिए, बिकॉज मेरे लास्ट फ्यू इयर्स तो बहुत ही अच्छे नहीं थे, सो एंड कुछ 2020 में कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, तो आई थिंक हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी सब कुछ आता है। या शाइनी, 4th October 1984 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अब ये ईयर तो है 2020 का, कोरोना ने तो इतना वो भयानक स्थिति पैदा की हुई है, इतना फियर है, इतना स्केरी है, दहशत पैदा की हुई है, पर हम ये पर्सनल, क्योंकि सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, आपका जो 4th October 1984 इसको जो मैंने कैलकुलेट किया तो आपका डेस्टिनी नंबर 9 आया, तो इससे क्या पता चला, जो आप बहुत पावरफुल हो और बहुत मच्योर हो, अपना करियर आपका बहुत अच्छा है, 6 months बीत गए हैं 2020 के, 6 months और भी बीत जाएंगे, बट यू विल बी शाइन इन 2021, आपका पीआरओ इतना अच्छा है, आप दूसरों को एकदम अट्रैक्ट कर लेती हैं, एंड वेरी हेल्पफुल, पब्लिक रिलेशन से जो भी आप काम करेंगे आपका करियर बहुत ऊपर उठता जाएगा और कामयाबी आपको मिलती जाएगी, और आप अपनी वाणी, क्योंकि 84 बॉर्न है, योर जुपिटर इज टू स्ट्रांग, आप अपनी वाणी से अपना कमाएंगे, खाएंगे और दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू मैम, ये एक्चुअली पॉजिटिव चीजें हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस 2020 में। आपने बोला अच्छी अच्छी बोलो, तो मैं तो अच्छी अच्छी बोलूंगी आपकी। या ठीक है, थैंक यू सो मच, ये बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे भी। हाँ, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने जिंदगी में करना ही है, बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, हमने नेगेटिव चीजों की तरफ जाना नहीं, जब हम इस पॉजिटिव चीजों की तरफ देखते तो हमेशा याद रखना अपना आत्मविश्वास के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और होता भी है, ऑल इज वेल। आई एग्री। अच्छा, हम अब व्यूअर्स के क्वेश्चंस पे जाते हैं, वी हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस, तो सबसे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन किसी ने पूछा है, दीपा द्वारकनाथ, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेमिंग अ न्यू बॉर्न or a new business based on numerology and otherwise, does someone named based on numerology succeed in life better than the others? बहुत बढ़िया, दीपा द्वारका नाथ जी ने जो पूछा है, इसमें दीपा जी मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे नंबर 9 होते हैं 1 to 9, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में, और सबसे ज्यादा जो हमारे लेटर्स हैं A to Z, देर आर 26 लेटर्स, तो ये हमारे ए की जो वेटर्स है, एक स्टैंड करता है 1 पे, बी स्टैंड करता है 2 पे, जो किसी ने अपना नाम या बच्चे का नाम रखना हो, जैसे दीपा द्वारका नाथ है, इनका टोटल नंबर 6 आता है, तो 6 इज ए वेनस का प्लेनेट है, वेरी गुड, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो ऐसे ही जो मेरे से पूछते हैं जी आज हमारे घर बच्चा हुआ है उसका क्या नाम रखे, तो हम देख लेते हैं आज किस डेट पे हुआ है और कौन सा इनिशियल इसको सूट करेगा, तो हम ऐसे बता देते हैं, फिर वो जो नाम रखते हैं, जो उसकी वेटर्स होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। अच्छा, जिसने कोई किसी नंबर से सजेस्ट करके अब नाम नहीं रखा,
व्हाट अबाउट देम कि उनसे सजेशन के साथ कुछ ऐड सबट्रैक्ट सो कैन वी मेक ऑल्टरेशन उनका देख लेते हैं भाई. अब जैसे कोई संदीप लिखता है जैसे SANDEEP, उसके डेट ऑफ बर्थ से उसको सूट नहीं करता तो हम कहते हैं जी IP कर लो, EE 10 हो जाता है और I 9 हो जाता है तो उसको उसके नंबर से सूट कर लेता है. ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, बड़ी पॉजिटिव ये साइंस है. परफेक्ट. हाँ इम्पोर्टेंट है कि उसका पर्सनल उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड एक है मिस गीतिका कपूर, उन्होंने है 26/10/1986 बोर्न एंड शी वांटेड टू नो अबाउट हर करियर. अच्छा 26 की. पॉसिबली फ्लरिश इन माय प्रोफेशन एंड आई एम अ टीचर बट ड्यू टू ट्रांसफर्स हैव टू रिजाइन एंड मूव आउट विद इन 6 months. So when can I resume my job and when मतलब when where I can seek it? My opportunity. 26 आप दोबारा बोलिए. 26/10/1986. ठीक है 1986. And what is her name? Her name is Gitika Kapoor. Gitika Kapoor. ठीक है. अब जो ये टीचर हैं ये जो काम कर रहे हैं इनका एकदम चेंज आ जाएगा और बहुत बढ़िया ये करेंगी. ये जरूरी इनका जो अकॉर्डिंग टू इनका सैटर्न है वो क्या ला रहा है, हर इनकम सोर्स विल कम फ्रॉम टू वेज नॉट सिंगल वे. तो ये इनका जो बहुत अच्छा टाइम है ये 2020 अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया आएगा, जो इनके आगे बढ़ते चलेंगे करियर में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी और अपने क्षेत्र में ये बहुत चमकेंगे. जाएंगे. Perfect. Gitika, I think you are listening to this. So you are a profession. Ab hai hamare paas Ruchika Garg. 14/3/1980. Yes. I am looking a new job opportunity since 2 years, but no success yet. ठीक है. अभी इनके 4 months ऐसे ही जाएंगे. अभी इनको success मिलेगी. इनका Mercury बहुत weak है. और इनको सक्सेस मिलेगी दिसंबर में, 2020 दिसंबर में. ठीक है. देन वी हैव पूजा टंडन. पूजा टंडन का है 6/9/1979. क्वेश्चन है गाइडेंस ऑन माय पर्सनल लाइफ एंड आल्सो व्हेन आर थिंग्स विल इंप्रूव. ठीक है. हर पर्सनल लाइफ विल बी इंप्रूव एंड वेरी सेंसिटिव, वेरी इनोसेंट, शी इज रियली गुड गर्ल. सारे गुड होते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू हर प्लैनेट्स इट सीम्स कि बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत कामयाब होएगी. बट और थोड़ा पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी हो जाएगी. ये हो जाएगी इनकी नवम्बर में, 30 नवम्बर के बाद. बट इनको बोलो डोंट वरी, एवरी थिंग विल बी परफेक्ट. अभी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा ये सेंसिटिव बहुत है तो हर चीज़ अपने हार्ट पर ले लेती है. तो उनको बोलो मत लीजिए क्योंकि 79 इज द इनका जो केतु है वीक है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी इमोशनल बहुत ज्यादा है. पूजा यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, प्लीज मैम की सुनिए एंड आई एम श्योर यू विल हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी सो. देन वी हैव निकिता बहल. वी हैव हर डेट ऑफ बर्थ इज 9/2/1984. यस. या क्वेश्चन इज फैमिली लाइफ एंड हेल्थ एंड हर टाइम इज 6:35 PM. There it seems money wise no problem at all, very attractive and her health will be improved. Thoda health aisa hai but it will be improved and after this July. Aur life mein thodi success hai but main yahi kahungi ki financial jo inka hai wo bahut important hai, matlab bahut acha hai. Money wise ek hota hai ki hame koi cheez ki kami aati hai to agar main inke teen hum cheezon part ko divide karte hain, सोशली करते हैं, फाइनेंशियली करते हैं और मेंटली करते हैं, तो सोशली और फाइनेंशियली इनका बहुत बढ़िया है, उसमें मैं इनको फुल मार्क्स दे सकती हूँ. पर मेंटली थोड़ा कम है तो इनकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. ये भी पॉजिटिव सोचें बहुत और काफ़ी हद तक इनको कंटेंटमेंट मिलती रहेगी. तो कोई पर्टिकुलर टाइम आप बताएंगे इनका? इनका टाइम ये होगा जाके 2021 फरवरी, बर्थडे से पहले. और बर्थडे इनका थोड़ा टाइम लगेगा पर बर्थडे से पहले. ऐसा भी ऑलराइट, शी विल बी एक्सीलेंट. यस. अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि हम प्लैनेट्स का इफेक्ट
कुछ कम कर सकते हैं कोई, सो दैट प्रॉब्लम ज्यादा ना हो हेल्थ पे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. जब आपको हम एक अच्छी पाथ पे चलते हैं, क्योंकि हम गॉड इज देयर, कहते हैं भगवान है, है. अब भगवान को हम अगर डिवाइड कैसे, क्या भगवान है? भगवान कोई करेक्टर नहीं, कोई सामने नहीं आ बैठ भगवान तेरे साथ बातें करे ऐसे. हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में भी समर्पित हो जाता है. तो वो भगवान क्या है? भ भूमि, ग गगन, व वायु, आ की मात्रा आग, और न नीर. तो भगवान हम खुद ही हैं. तो अगर हम अपने पॉजिटिव सोचेंगे कि अपने दिल पे हाथ रख के, नहीं 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 मेरा ये काम होएगा ही, सब ठीक हो जाएगा, तो इनको चाहिए पाठ करें कुछ, थोड़ा मंत्र करें जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनके अंदर आए. इस टाइम कोरोना चल रहा है, मैं तो कहूँगी सबसे बेस्ट पार्ट है महामृत्युंजय का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब चीज अच्छी हो जाएगी इनके साथ. निकिता जी प्लीज फॉलो दीज, आई एम श्योर यू विल गेट पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ. ये हम इनको ही नहीं, सबको ही करना चाहिए, फॉर एवरीवन. ओके, 2020 को अगर अच्छा बनाना है एंड पीसफुल बनाना है तो डेफिनेटली ये मेडिटेशंस, हीलिंग सब करेंगे. यस, मेडिटेशन हम कमेंट सेक्शन में इसको भी टाइप कर देंगे. सो फॉर एवरीवन, फॉर आवर ऑल आवर व्यूअर्स. So, Nikita Bhel ka similar question hai for Ritvik Kumar also, 7 September 1980. And place of birth is Panipat, Haryana. Time 5:20 AM. ठीक है, इन ये जो ऋत्विक है वो भी बहुत sensitive और emotional है, बहुत ज्यादा ज्यादा समुन्द्र के किनारे के पास रहना पसंद करते हैं और near water, मतलब इनका जो है, but अपने दिल की बात किसी से नहीं share कर सकते. Very introvert, खुल के बात नहीं करता, हाइड एवरीथिंग, ओवर सेंसिटिव बंदे हैं, ओवर क्रिएटिव भी. इनके साथ बड़ी अच्छी चीजें भी जुड़ी हुई हैं और हर मुकाम तक, ये अपने मुकाम किसी तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंचेंगे भी. ये इनका समय शुरू होएगा, अभी तो कंफ्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा कि मैं आइदर आई गो हेयर और देयर. चौराहे पे खड़े हैं, फोर वे पे खड़े हैं, पर जनवरी 2021 से 18 जनवरी ऑनवर्ड्स इनका टाइम, इनका सबसे बढ़िया टाइम आएगा सैटर्न का और ये बहुत कमाल कर जाएंगे. परफेक्ट. नाउ वी हैव सबीन बेग फॉर असद वानी. असद वानी इज द नेम ऑफ द किड. डेट ऑफ बर्थ है 7/11/2012. आप सेवन नंबर बहुत ला रहे हो. अच्छा, ये अभी 8 साल का बच्चा होएगा तो ये इसके तो बनने के आसार डॉक्टर के नजर आ रहे हैं, जो इसका करियर है. एजुकेशन इसको बहुत ज्यादा ये उसी में जाएगा एंड ही विल बी वेरी हैप्पी. लाइफ में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही एज इट इज. परफेक्ट असद, आई थिंक वी आर सॉर्टेड. वी हैव निधि अरोड़ा, 13 December 1982. निधि अरोड़ा, या बर्थ प्लेस इज करनाल. अच्छा, 13 December 1982. ये अब्रॉड सेटल हो सकते हैं, मनी वाइज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जा सकते हैं, पर ये भी थोड़ी सेंसिटिव है, गुस्सा है थोड़ा सा, वो गुस्से को छोड़ो तो जल्दी सेटल हो जाएगी. और 13 का मतलब ही 4 नंबर है, आपको पता है. तो अभी ये भी बड़ी दुविधा में चल रही है क्योंकि 2020 चल रहा है, जो अभी 4 नंबर वाले अभी दुविधा में चल रहे हैं, पर सब ठीक हो जाएंगे और अब्रॉड सेटल हो सकते हैं ये आराम से. कोई प्रॉब्लम है सच मुझे नहीं नजर आ रही इनमें, क्योंकि और काम करेंगे, काम में बहुत आगे माहिर हो जाएंगे. बिल्कुल. तो निधि, आई थिंक यू आर सॉर्टेड. नेक्स्ट वी हैव फॉर मिस वीवाई, उनका डेट ऑफ बर्थ है 27/6/1979. प्लेस ऑफ बर्थ गुड़गांव. व्हेन इज मैरिज ऑन द कार्ड्स? वी वाई का जो डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू नंबर्स, इनको एक दोष है, काल सर्प दोष. उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि गुरु नहीं अच्छा इनका, जुपिटर इज नॉट गुड. जुपिटर इनके सेवंथ हाउस को देख रहा है जिससे शादी होने में प्रॉब्लम आती है. अभी 41 की कली हुई है मतलब, तो अब जो 42 है जो ईयर है, अगर हो गई तो नेक्स्ट ईयर इनके बर्थडे तक इनकी शादी हो जाएगी.
पर इनको पहले अपनी पूजा काल सर्प की पूजा कराएं, गुरु की पूजा कराएं। अच्छा, वो वाइब्रेशन इनको मिलनी चाहिए। आपने रास्ते खोल लिए अपनी शादी के। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है। एंड सो वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन फॉर मिस्टर पीवाई, दैट इज गुड़गांव में ही है इनका बॉर्न। दे आर बॉर्न इन गुड़गांव एंड 24/9/1987 इनकी नेक्स्ट ईयर शादी है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सॉर्टेड। अक्टूबर के बाद इनका योग बना हुआ है। तो हमें टाइम भी चाहिए इनका किसी का? नहीं, देख लिया मैंने 24 सितंबर 1987। मिस वी का है 11:10 AM एंड मिस्टर पी का है 16:13 AM। पर परफेक्ट अक्टूबर के बाद इनका योग बहुत बढ़िया बना हुआ है और इनका ये रास्ता खुल रहा है। एक अच्छी दुल्हन इनकी जिंदगी में आने वाली है। Awesome. क्योंकि इनका जुपिटर अच्छा हो रहा है। So now we have one second. So we have one more female. Uska naam hai Shivangi Gupta, 1992 born, and time 2:20 for and she's asking again for marriage. She has a question about her marriage. इनकी घंटी बजने वाली है, तैयारियां पूरी है और कभी भी एनी डे इट कैन बी हैपन, शादी होने वाली है इनकी, कभी भी हो सकती है। एंड व्हाट अबाउट सोनाक्षी सिंगल एंड वो उनका चीज 10/10/1994 एंड 10:57 PM और शिवांगी जो है वो अपनी चॉइस से शादी कर सकती है। okay. वही मैंने बोला घंटी बजने वाली है, अपनी चॉइस से कर लेगी। अच्छा नहीं, शिवांगी है, देन वी हैव सोनाक्षी सिंगल। अच्छा सोनाक्षी सिंगल, सोनाक्षी सिंगल 10/10/1994 नेक्स्ट ईयर 2021 में मार्च के बाद इनकी शादी है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इनका भी थोड़ा मंगलिक दोष है और थोड़ा काल सर्प इनको भी है, तो इनका थोड़ा जुपिटर भी लो है, तो इस कारण इनका है। पर नेक्स्ट ईयर मार्च ऑनवर्ड्स इनका रिश्ता हो जाएगा। ओके, सो वी हैव स्नेहा ठाकुर 18/8/1990। मेरे पास अभी व्यूअर्स के आए हैं मैसेजेस, सो उनका इफ यू नीड टाइम टू कैलकुलेट, सो इट्स स्नेहा ठाकुर 18/8/1990। अब अकॉर्डिंग टू हर डेट ऑफ बर्थ, एट नंबर, एट इज स्टैंड बाय सैटर्न और इसका मंथ भी एट है, और 1990 जो इसका मैंने डेस्टिनी नंबर निकाला वो भी एट ही आया है। तो okay. बहुत ड्रामेटिक्स इसकी लाइफ में है, बहुत ड्रामा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो जो ये पूछना चाह रहे हैं, 8 अगस्त के बाद, इनके बर्थडे के बाद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फर्स्ट क्लास लाइफ रहेगी। पर गुड, मैं इसको 888 को बहुत गुड मानती हूँ। परफेक्ट स्नेहा, आई थिंक यू आर सॉर्टेड। सो वी हैव कवलीन कौर 3/12/1991। ये अपने करियर के बारे में पूछना चाह रही हैं एंड ऑफ कोर्स लाइफ आल्सो। देखो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू 3/3/1991 ये बॉसी नंबर है। शी कैन नॉट टेक वर्क अंडर द पीपल। ये अपना ही कुछ खोलेंगी, अपना ही कुछ पहुंचेंगी, क्योंकि बहुत ब्लंट नंबर होता है, वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता। तो ये जो भी करेंगी बहुत परफेक्ट करेंगी, बड़ी हेल्पफुल हैं और कमाल कर जाएंगी। ये अभी इनका टाइम अच्छा नहीं है तो, पर हो जाएगा आने वाले डेट ऑफ बर्थ से पहले ही इनका काफी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके, वी हैव सोनल चुग 6/3/1978। इन्होंने भी करियर का पूछा है अपना। इनका चेंज आ रहा है बहुत बढ़िया, और ये चेंज इनका यही अगस्त के बाद ही आ रहा है और परफेक्ट है इनका। अभी थोड़ा बीच में इनका अच्छा नहीं था, क्योंकि इनका वीनस इनको थोड़ा, आजकल वीनस वैसे भी तंग कर रहा है और 30 जून को सारे प्लैनेट्स ठीक हो रहे हैं। तो इनका जो मेन है अगस्त के बाद बहुत बढ़िया टाइम है, करियर में भी अपना जो भी करेंगी कमाल कर जाएंगी। हमारी शिवांगी गुप्ता भी यही पूछ रही है करियर के बारे में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1992 एंड 2:20 PM। अब इनका अगर ये कहीं जॉब करी है तो नहीं करेंगी, ये भी किसी अपने ही कोई प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दे रही है, तो
तो इसमें इनका करियर अच्छा रहेगा. प्लैनेट्स आर रियली वेरी गुड, तो नो प्रॉब्लम इज देयर. एक्चुअली राइट नाउ ये बहुत ही परेशान है, पर इनका जुपिटर और राहु थोड़ा नीचे चल रहा है इस टाइम, तो इसलिए ये परेशान है. 1.5 मंथ और रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे. इनको बोलो पॉजिटिव रहे, पाठ करे, ठीक हो जाएंगे. ठीक है जी, बिल्कुल. और बहुत ज्यादा वो है, इनसिक्योरिटी बहुत है इनके, बहुत इनसिक्योरिटी. हां, इनसिक्योरिटी इज मे बी. यस, सो वी हैव वन मोर फीमेल, मिस एस, एंड उनका डेट ऑफ बर्थ है 24th March 82, एंड गुड़गांव में बोर्न है. अच्छा जी, ये क्या चाहते हैं? ये भी अपने मैरिज और फ्यूचर. ठीक है, अभी जो इनका मून है ना वो थोड़ा लो है इस टाइम, तो हेल्थ और मैरिज इनका जो है अभी इनको लगेगा थोड़ा टाइम. 8 मंथ्स कम से कम, वीक है इनका मून बहुत. अच्छा, तो इनको पहले इनका मून को अपग्रेड करना चाहते हैं. तो इससे कोई ये आप शिव जी की पूजा करें ना, इनको बोलो शिव जी की पूजा करो, अच्छा घर वर मिल जाएगा और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी. इनको ओम नमो शिवाय बोलना चाहिए. ठीक है, ठीक है, शिव जी इनको स्टेबल करेंगे. थोड़ा कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना. कह रही है मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते ही हुए घूम रहा वो है जो घर से निकलते नहीं. तो ये बाहर निकलेंगे तो इनको मंजिल मिल जाएगी. ठीक है, सो वी हैव वन मोर फॉर दिव्या मित्तल, 23rd June 1981, करियर ऑप्शंस. अभी इनका बर्थडे गया 23rd June को, और बहुत क्रिएटिव है ये. जो अपना करियर ये पूछना चाहती हैं, इवेंट्स में जाएंगी ये. और बस 23rd June के बाद इनका बर्थडे से पूरा चेंज हुआ है. और फूड में जाएं, किस में जाएं, ये कामयाब हो जाएंगी. फूड में जाती हैं तो और भी अच्छे हैं फूड में. ओके, तो दिव्या मित्तल, यू नो योर, और इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी क्योंकि अभी बर्थडे गया 23rd June से, इनका लाइफ ही अलग हो गई है, न्यू बिगनिंग होगी इनकी. वी हैव सोनल चुग, 6/3/1978, सोनल चुग का हो गया, सॉरी. शालिनी भारद्वाज, 3/10/1979, वेरी सेंसिटिव गर्ल, वेरी सेंसिटिव, मैरिज प्रॉब्लम थोड़ी नजर आ रही है. बट थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा नवंबर तक, पर अपना काम बहुत अच्छा करेंगी, नेम फेम मिलेगा इनको अपने काम में, और इनकी लोकेशन चेंज होगी नवंबर से पूरी. सो वी हैव वन मोर, दैट इज स्वाति सिंह, 8/2/1983, अगेन देयर क्वेश्चन इज अबाउट करियर एंड फैमिली. स्वाति, स्वाति क्या बोला आपने बेटा, एक मिनट बोलो. स्वाति सिंह, स्वाति सिंह, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए. 8/2/1983. व्हाट शी वांट्स? करियर एंड फैमिली. अभी तो इनका अगर करियर भी है फैमिली भी है तो 8 और 4 का बनती नहीं है. जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ 8 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, तो अभी ये भी इनसिक्योर है, अभी डामाडोल स्थिति में है. पर ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है. इनका जैसे ही सैटर्न ठीक होएगा, चंद्रमा ऊपर आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक, जो ये चाहेंगी इनको मिल जाएगा और इनकी लाइफ भी एक्सीलेंट होने वाली है. घबराने वाली कोई बात नहीं है. शनि इज गोइंग, इनको बोलो बिल्कुल घबराए नहीं. परफेक्ट स्वाति, यू डोंट हैव टू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. So we have Anubhuti Sinha, 7/2/1977. Anubhuti Sinha. She's saying life is full of problems and it's quite messy. 7 क्या बोला? 7/2/1977. Yes. वैसे तो बहुत अच्छी बच्ची है ये भी, पर इनको कहते ना कुछ कह भी दिया कुछ कह ना सके, बस यूं ही सिलसिला चलता रहा, उनकी लाइफ ऐसे चली है. तो बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा अभी भी कर रही हैं. अपना खाने पीने में मैनेज हो जाता है, सब कुछ कर लेती हैं, पर जिस मुकाम तक ये पहुंचना चाहती है वहां नहीं पहुंच पाई. और वेरी ओवर इंटेलिजेंट है,
ओवर इंटेलिजेंट होने से इनको जिंदगी में चीजें नहीं मिली, लैक ऑफ और डिप्रेशन में जैसे चले जाता है बंदा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने लिए इनको नहीं है, दूसरों को ये एडवाइस इतनी अच्छी कर सकते हैं, वेरी गुड एडवाइजर फॉर अदर्स बट हर सेल्फ शी इज जीरो. तो पहले ये अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर चीजें को लाएं और फिर इनकी ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ये एकदम चेंज ऑफ लोकेशन है, मार्च के बाद इनका सब ठीक हो जाएगा, ये मुझे याद करेंगी जरूर, पर पहले अपने ऊपर ये विश्वास रखें, पॉजिटिव हो. बिल्कुल. अच्छा, दूसरी आई है हमारे पास मिसेस एन, 16/6/61, बर्थ टाइम 10-11 नाइट, एंड शी वांट्स टू नो अबाउट हर हेल्थ, फ्यूचर एंड फैमिली. 16/6/61, आज तो सारे ही 7-7 नंबर दे रहे हो मुझे, बहुत सारे 7 लगता है, 7 पे रिसर्च करनी चाहिए. इनका हेल्थ लो है और क्योंकि मेंटली ये डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा, इतना फिजिकली नहीं है जितना मेंटली ये डिस्टर्ब है, और इनका जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. और करियर वाइज वैसे इनको नेम फेम मिला, ये नहीं कि लाइफ में कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है. अभी जो फेज चल रहा है वो अच्छा नहीं है. अभी जैसे इनका भी बर्थडे 16 जून गया है, जून वाले थोड़ा लो चल रहे हैं इस टाइम, जैसे ही नेक्स्ट 16 जुलाई आएगी ये ठीक हो जाएंगी, इनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है. इनको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और शुड नॉट वियर ब्लैक क्लोथ्स. अच्छा, शुड नॉट, ना शुड नॉट, देन प्लीज डोंट वियर ब्लैक क्लोथ्स, प्लीज अवॉइड इट. रिलेशनशिप भी मजेदार नहीं है इनका. And then we have Radhika Chugh, 6/3/1978. She wants to know about her career. 6/3/1978. इनका नवंबर से टाइम बहुत अच्छा है और ये जो भी करेंगी उसमें ये कामयाब होने वाली है. ये एक नई चीजें की तरफ सोच रही हैं, इसमें ये कामयाब हो जाएंगी, ऑन करेंगी अपना और बहुत बढ़िया, इनका अच्छा है. Then we have स्नेहा के ठाकुर. ना ये गुस्सा दूर करें थोड़ा, गुस्से से इन्होंने 2-3 चीजें बेकार खराब कर दी हैं. चलो कोई बात. ओके, सो वी हैव स्नेहा के ठाकुर, स्नेहा लता, 18/8/1990. She is asking, will I get a government job? मुश्किल है. ये राहु है ना, she is wearing glasses. अच्छा, आपको क्या पता होगा ये. तो इनका थोड़ा मुश्किल है government job का, but ये अपना करेंगी तो बहुत ऊपर उठेंगी. पैसा बहुत ज्यादा दिख रहा है इनमें, government job में इनको इतना नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल है. Sneha, please do something of your own. So we have one more female. He's a male. Mayuk Ghosh, 24/1/2012, 10:10 a.m. What profession will be good for him? 24/1/2012. अभी 8 साल का बच्चा है, आर्किटेक्ट बन सकता है ये, क्योंकि इसका वीनस बहुत अच्छा है और मतलब एक अच्छा प्रोफेशन. सीए बन सकता है, एमबीए करेगा. एजुकेशन इज रियली गुड, वेटेड डिग्री ही विल गेट. ओके, सो ओके, देयर इज वन मोर, मिस सी, 15/2/1978, शी इज आस्किंग, मेरा बिजनेस होगा या नाम होगा, कुछ फेम होगा? 100% होगा इस नवंबर के बाद, बहुत उसका बिजनेस बहुत अच्छा है. और पर पार्टनरशिप इनको कभी नहीं करनी, अगर पार्टनरशिप करेंगे ये तो चले लास्ट नहीं करेगी, तो बेटर है कि ये अपना ही करें. और थोड़ा लो हेल्थ है इनकी, अपनी हेल्थ को भी ठीक करें, पार्टनरशिप ना करें और ये कामयाब हो जाएंगे. एंड शिखा गुप्ता, माय सन नभे, ही इज वेरी एग्रेसिव, 24/2/2011, 3 p.m. शिखा गुप्ता, she is asking for her son.
आफ्टर दिस 2011 में पैदा बच्चा, ये अभी 9 ईयर्स का होगा, जब ये 14 ईयर्स का होगा तो इसकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा, करियर में भी, ये जो भी जहाँ जाना चाहिए जाएगा, पायलट भी बन सकता है ये, और इसका गुस्सा थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये अट्रैक्ट बहुत लोगों को करेगा, अपनी बात बातूनी बहुत है, टॉक्टिव बहुत है। वही वो पूछ रही हैं कि एग्रेसिव बहुत है, इज देयर एनी कुछ उपाय कर सकते हैं टू लोअर डाउन? हाँ, इसके लिए अग्रेसिव बहुत है, इसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़े तो मदर कैन डू बिहाफ ऑफ हिम, तो ही कैन बी, एंगर बहुत है। सो वी हैव वन मोर, मिस्टर एस एंड ही इज 6/10/1984 एंड ही वांट्स टू आस्क अबाउट हिज करियर। अभी इन्होंने भी मतलब बिजनेस में अच्छा नहीं किया, थोड़ा नुकसान किया है, लॉस किया है, पर ये 6 अक्टूबर से, मैंने बोला ना डेट ऑफ बर्थ से हमारा जो न्यूमरोलॉजी में पूरा ईयर की चेंज आ जाती है, तो इनका 6 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा चेंज है, एक नया बिजनेस खोलेंगे उसमें ही विल गेट गुड सक्सेस, तो इनको बोलो बिल्कुल चिंता मत करें, और अगर एल्कोहल लेते हैं तो नहीं लेनी, अवॉइड टेकिंग एल्कोहल। And कोई करियर ऑप्शंस इज आस्किंग? किसी उसमें जा सकते हैं, कोई जैसे कोई कंपनी में जा सकते हैं, कोई इन्वेस्ट ट्रेडिंग जैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी इन्होंने, ट्रेडिंग में जाएंगे तो ये ही विल गेट गुड सक्सेस, कोई एजेंसी ले लें, कोई कुछ ले लें, कॉन्टैक्ट्स जैसे कोई भी, जैसे तो एजेंसी ले सकते हैं कुछ, उनमें इनको कामयाबी मिलेगी, ट्रेडिंग बेसिकली इनको, ये ट्रेडर बने तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड सो वी देयर इज वन मोर फीमेल, मिस एम, 23/84, सो शी इज टॉकिंग अबाउट हर करियर एंड हर सेकंड बेबी। नेक्स्ट ईयर सेकंड बेबी हो रहा है 2021 में, एंड हर करियर, करियर इनका वैसे तो इतना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि इनका मर्कुरी बहुत अच्छा है, और बट इनका चेंज भी वही बर्थडे के बाद 23 अगस्त के बाद, और नेक्स्ट बेबी 2021 में अगस्त तक इनका बेबी हो जाएगा। परफेक्ट, स्टेबिलिटी अभी नहीं है पर स्टेबिलिटी विल कम। ओके, टीचिंग में जाएं तो और भी अच्छी बात है ये, टीचिंग में। क्योंकि इनका मर्कुरी बहुत अच्छा है, तो मर्कुरी वाले जितने भी होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर होते हैं, तो इनको सक्सेस मिलती है। सो आई थिंक वी आर मोर और लेस डन विद देम, जहां तक मुझे दिख रहा है। सो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Actually, बहुत सारे आ रहे हैं, it's getting confusing. So, there's one more female, Anubhuti Sinha. अभी आया था। 7/5/1977. ये हो चुका, I think so. I think so, sure. मेरी थोड़ी मैथ्स बहुत अच्छा है। मेरा नहीं है। ठीक है। So, I think we are done more or less. So, ma'am, actually, आपने इतने सारे लोगों, there's two more had come. One is, विनाया सता, विनाया 9/8/1979, 6 AM, अबाउट बिजनेस, कैन आई स्टार्ट माय बिजनेस एंड कैन आई जॉइन पॉलिटिक्स? यस, पॉलिटिक्स में भी जा सकती है और अपना काम भी कर सकती है, इनको कामयाबी मिल सकती है, ये सेलिब्रिटी भी बन सकती है, नो डाउट, एंड शी विल गेट नेम फेम, he will get name, fame, everything. Perfect. जाने दो पॉलिटिक्स में इनको एक और। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन करिए पॉलिटिक्स आप। ज्वाइन करिए, yes. So मोनिका गुप्ता, she wants to ask about दिनेश अग्रवाल, 1910-1975, about the business. Business इनका improvement होगा भी, अभी थोड़ा चल नहीं रहा था अच्छा, इनका समझ लो 2.5 months के बाद, मोस्ट प्रॉब्ली आप देख लो इनका अक्टूबर तक इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी थोड़ा डामाडोल था।
नवंबर अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. सो वी हैव अनुश्री शर्मा. ये न्यू बिजनेस भी करें. अच्छा अच्छा पर इनको भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी. नहीं करनी चाहिए. नहीं नहीं बिल्कुल ही पार्टनरशिप वाले ये प्लैनेट्स नहीं है. लास्ट ही नहीं करेंगे. 2-3 इयर्स करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे. तो देयर इज नो यूज फॉर फर्दर. कोई फायदा नहीं है. सो वी हैव अनुश्री शर्मा 7/12/1987. अरे जरूरी 7/10/87. आज तो कमाल ही हो गई. 7/12/7/12. हाँ 7/12 ना 1987. इनकी शादी का प्रॉब्लम है. इनका क्वेश्चन नहीं आया तो ब्लैंक है अभी. मैरिज प्रॉब्लम दिख रही है थोड़ी. ओके. और इनका भी जो सॉर्ट आउट होएगा दिसंबर तक ही होएगा. अब ये क्वेश्चन पूछते तो मैं डिटेल में बताती. इनका जब क्वेश्चन ही नहीं आया तो मुझे मैरिज प्रॉब्लम नजर आ रही है. ओके एज ऑफ नाउ. सो इनका सॉर्ट आउट कब होगा? एनी पर्टिकुलर टाइम? नो. सो वी हैव रोहित मलिक 9/10/1995. What he wants? He hasn't asked any questions, so it's just he has mentioned his name and date of birth. Money-wise, there is no problem, but he is very lethargic person. थोड़ा इनको energetic होना चाहिए. Gym gym join करना चाहिए. थोड़े lazy boy है. Rohit, please. और इन किसी जो भी रिलेशन में है उनमें इनको कामयाबी नहीं मिली. सक्सेस नहीं है. आफ्टर अक्टूबर इनको सक्सेस मिलेगी. अगर ये पूछना चाह रहे हैं रिलेशनशिप तो इनको कामयाबी मिलेगी अक्टूबर में. एंड देयर इज अ सोनाक्षी सिंगल. हो गया मेरा ख्याल. हो गया. सो आई थिंक दोबारा आया मुझे कल पास. सो वी हैव रीमा धवन 15/10/2001. शी वांट्स टू नो द हेल्थ ऑफ हर डॉटर. हेल्थ इज ओके. नो प्रॉब्लम. बट थोड़ा बीच में नहीं ठीक थी. थोड़ा स्किन प्रॉब्लम ऐसे नजर आ रही है. बट अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है. हेल्थ इज ओके. कोई गलत नहीं है इनके साथ. इनको भी थोड़ा अपना पाठ वगैरह करें. ओम नमो शिवाय बोलें. ठीक हो जाएगी. कोई ऐसी बात. ओके. सो देयर इज वन जसविंदर 16/11/1955. ही इज आस्किंग अबाउट हिज बिजनेस. बहुत कामयाब है. अपने मनी बनाती जाएंगी. पैसा बटोरती जाएंगी. कोई कमी नहीं है. ओके. पर बहुत मूडी एंड टेम्परामेंटल है इसलिए इनसिक्योर है अपने पैसे के लिए. नेहा राहुल वोहरा 10/7/1983. शी वांट्स टू आस्क अबाउट हर करियर. 1983. अभी अकॉर्डिंग टू इनका जो मून दिखा रहा है ये डिप्रेशन का दिखा रहा है इनको. थोड़ी सी ये डिप्रेशन में है क्योंकि 83 बॉर्न है. और करियर इनका थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा. अगर ये फूड बिजनेस में है तो इनको अभी कामयाबी मिलेगी. okay. और ये समझो 10th जुलाई के बाद ही इनका बर्थडे. और अपना इनको अग्रेसिव नहीं होना. गुस्से से ये भी अपने काम बिगाड़ देंगी. तो अपनी बाकी को थोड़ा शांत रखें. नेहा प्लीज शांत रहिए. सो यू विल डू वंडर्स. सो वी हैव टीना जैन मोहन 21/9/1979. शी इज आस्किंग कैन आई स्टार्ट माय बिजनेस. कल ही कर लें. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अभी नहीं चलेगा. टाइम अच्छा नहीं है. इनको बहुत है कि मैं चलूंगा. और ये समुन्द्र के किनारे करें. उससे रिलेटेड तो बहुत कामयाब हुई है. जहां पर समुंदर है इनको वहां जाना चाहिए. टीना जी प्लीज समुंदर की जगह अपना ढूंढ लीजिए. हाँ तो उधर उनको ये समझ लो अक्टूबर के बाद इनका टाइम बहुत अच्छा है. और बिजनेस में ही जाएंगी. और वर्क वाइज शी विल बी शाइन. डोंट वरी. परफेक्ट. सो वी हैव फॉर गौरव अरोरा दे आस्किंग 13/August/1981. Again, career business. Should I start my own startup? अभी नहीं करें ये. क्योंकि वैसे ही 4 नंबर का साल है. 2020 को जाने दो. ये खुद 13 नंबर है. तो अभी इनको जाने दो. Let it be go.
उसके बाद 2021 जनवरी में ये शुरू करें तो बहुत कामयाबी होगी। देन वी हैव सुरभि तलवार, वो अपने बेटे के लिए पूछ रही हैं, प्रधान तलवार के लिए 12 दिसंबर 2012। बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत कामयाब होएगा, एक्सीलेंट बच्चा है और जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ेगा, इनको थोड़ा और मदर से बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम कुछ नजर नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ी बोली इनकी थोड़ी मिठास लानी पड़ेगी बच्चे की बोली में, आजकल सब बच्चे अग्रेसिव है, किस किस को कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीमा को बोलो हनुमान चालीसा करें, पाठ करें तो ठीक हो जाएगा। सुरभि तलवार जी प्लीज पाठ करिए। रीमा धवन है, 17/9/1998, करियर ऑफ माय डॉटर। रीमा धवन जी 17/9/1998, हाँ जी 98, ये क्या चाहते हैं? नेक्स्ट ईयर ही होगा क्योंकि अभी इनका डामाडोल चल रहा है, 88 आ गया इनका भी, 17 September 1998, तो इनका भी शनि अभी अच्छा नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है, बट नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये वो करें। So we have one Taranpreet, 5/9/1990. He wants to ask about his career. अभी तो लो चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है इनका, लेजी है, कहता है नहाने भी जाएगा तो टाइम लगाएगा, तो इनका करियर चलेगा 5 September से, इनका नया जब ईयर शुरू होगा, ये 30 years के हो जाएंगे, उसके बाद ये बहुत कामयाब होगा, 31 years जो इनका लगेगा टर्न करेगा वो बहुत बढ़िया करेगा। परफेक्ट तरन, सो वी हैव करियर एडवाइस, somebody is asking for a career advice, this is Ritesh Tandon, 10/5/1998। ये अपना ही बिजनेस करेंगे और बहुत अच्छा कामयाब होएगा, पर इनका भी जो टाइम है 6 months के बाद इनकी पटरी आएगी, लाइन पे आएगी, अभी थोड़ा सा ये हिल रहे हैं। Then we have Pooja Khanna, 4/3/1980. She wants to know about her business. Pooja Khanna, what she wants? She wants to know about the business. वही नेक्स्ट ईयर होएगा, 4 number है, नेक्स्ट ईयर ये कामयाबी इनको मिलेगी, बहुत बढ़िया, और मनी वाइज नो प्रॉब्लम, अभी वर्क वाइज प्रॉब्लम है, अदरवाइज पैसा ये कमा लेंगे, अपना बिजनेस चला लेंगे। आई थिंक पीपल आर नॉट स्टॉप, तो मुझे लगता है 7 number पे एक टॉक करनी चाहिए। आई नो, क्योंकि इतने सारे नंबर आए जब जो लोगों ने पूछा है, मोस्ट प्रॉब्ली 7 है, किसी की 7 है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो 7 number क्या है, सबसे सेंसिटिव और इमोशनल नंबर है, मनी वाइज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, करियर वाइज नहीं आती, ये चुन लेते हैं अपना, पर ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा सल्क करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, दूसरों को ऐसी एडवाइस देंगे कि इनसे अच्छा कोई है नहीं, पर अपने लिए ये इतने बड़े बिग जीरो होते हैं, अपने आप को ये कंसोल भी नहीं कर पाते क्योंकि ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो इनको पहले चाहिए इनको अपने आप से बाहर निकले, अपनी वो इमेज छोड़े, बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं और बड़े डीप थिंकर होते हैं, लोनलीनेस इनके अंदर कुट कुट के भरी रहती है, लोनर होते हैं, समुंदर के किनारे बैठना चाहते हैं कि मैं समुंदर से बात कर लूं पर मैं किसी और से ना करूं, मेरी कोई बात ना सुन ले, दे हाइड एवरीथिंग, तो इनको जो 7 इतने सारे मेरे पास आज नंबर आए हैं, इनको मैं बोलती हूँ कि पहले आप बाहर निकलो अपने आप से, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप जी नहीं पाओगे, आप स्ट्रगल है नहीं पर आपने क्रिएट किया हुआ स्ट्रगल, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बैक बीचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, पर और लकी इतने ज़्यादा होते हैं, जिस घर में भी पैदा होते हैं माँ बाप को बहुत पैसे दे जाते हैं, ससुराल में पैसा देते हैं और ब्लेस्ड होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट ये जो पर अपने आप को नहीं कर पाते, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, अपने लिए जीरो, अपने लिए कुछ नहीं है,
पर मैं कहती हूँ ये अपने इसीलिए इनको प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये अपने लिए नहीं ले पाते, जीते नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसे लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, टोटली डेडिकेट टू गॉड, कहते हैं ना जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, तो ये उस रुझान पे चलते हैं, पहले अपने आप को बाहर निकालें। और ऑल सेवन नंबर्स, मैं तो आज जो सेवन मेरे पास बहुत ज्यादा आया, आई थिंक 12 मैंने सेवन नंबर देखे हैं, तो मेरे को कुछ हो रहा था अंदर से कि मैं इनको समझाऊं कि रिलेशनशिप को अपना ठीक रखें, रो पड़ते हैं, क्राइड करते हैं, पर जल्दी नॉर्मल, जैसे 7, 16, 25, 7 और 16 तो आज आए आए हैं, पूरे 12 आए हैं मेरे ख्याल, मैंने गिने हैं, तो इनको मेरे को कुछ हो रहा था कि मैं इनको जरूर डेस्टिनी नंबर भी 7 जो आया है कि इनको कुछ कहूँ कि आप प्लीज अपने लिए जिए, दूसरे जाए भाड़ में पर अपनी जिंदगी को जिए, जो जुलाई के महीने हैं, जो डेस्टिनी नंबर हैं और जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि प्लीज अब क्राई मत कीजिए, 79 बॉर्न बहुत सारे आए हैं और 61 आए हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो मेरा मैं बोलने से मजबूर हो गई हूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सबसे बेस्ट नंबर है और सबसे ज्यादा रोंदू नंबर है। ठीक है सर, नंबर्स प्लीज टेक केयर ऑफ इट। एंड वी हैव रितेश टंडन 39, 1973, मैम माय डैड अबाउट हेल्थ एंड बिजनेस प्लीज टेल मी। तो इनके फादर का तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना? नहीं, उन्होंने डैड की हेल्थ पूछी है बस। हेल्थ इनके फादर की लो है, आई थिंक ये ओके लो है, तो आई थिंक ये डैड का ही होगा, उन्होंने डैड का ही नंबर भेजा होगा शायद, ये 39, 1973 लो पार्ट हो रहा है, मतलब जैसे डाउन चलेगा इनके फादर का। या सो तो ये आई थिंक अपने डैड के बारे में ही पूछ रहे हैं। अक्टूबर से ही विल बी ऑलराइट, थोड़ा अभी तो चलेगा नीचे, लिस्ट बन नहीं हो रही है, सो लेट्स एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। सो मैम एक्चुअली अपने इतने क्वेश्चंस व्यूअर्स के ले लिए, सो इससे पहले कि मतलब आई एम जस्ट वरीड अबाउट दीस थिंग्स कि आप लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स लेके अपने पास रखती हैं, देन यू गिव देम लाइक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, डजंट दिस अफेक्ट यू समहाउ? देखो सबसे पहले जब मैं ये बिलीव करती हूँ कि भगवान तो सुपर पावर तो है ही है, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास हैं, 7 योग के द्वार हैं, हम उनको पहले कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल, कोई जादू से कंट्रोल नहीं, कोई मशीन से कंट्रोल नहीं, यहाँ से हमारा कंट्रोल शुरू होता है, मन से कंट्रोल शुरू होता है, हम अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेशन बहुत करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं जिसको हम कुंडली जागृत बोलते हैं, तो उससे हमारी नेगेटिविटी सारी नीचे चली जाती है, क्लीनिंग हो जाती है हमारी, और जो हम पाठ करते हैं उससे भी हमें नहीं पता होता हमने कल क्या किसी का देखा क्या नहीं, हील करते रहते हैं, हीलिंग इज द मोस्ट थिंग इन आवर लाइफ, अगर हम ये ना करें तो हम तो बहुत बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएं, तो हम अपने मंत्र से, अपने जंत्र से, अपने या कोई यंत्र से, जैसे कोई रिंग डाल लो या कुछ कर लो, जैसे जो प्लेनेट को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग, अपने कपड़े तो उसके अकॉर्डिंग हम वही कलर थेरेपी करते हैं अपने आप को पॉजिटिव लाने के लिए कि हमने कल भी दूसरों का देखना है, हमारा प्रोफेशन ही है, तो इससे हमें बहुत क्लीन करने पड़ते हैं अपने आप, कोई मुश्किल नहीं, हर बंदा कर सकता है, हम जब मेडिटेशन में जाते हैं अपने चक्रास, हमें सब पता चक्रास कहाँ है हमारे, सब खुलते जाते हैं। तो व्यूअर्स कैसे बता सकते हैं कि हम अपनी हीलिंग कैसे करें, हाउ डू वी गेट दैट? आप आंखें बंद करके अपना देखो, आप जैसे ओम बोलेंगे, ओम आप देखना पेट से आता है, ओम आप देखो नाभि से निकलता है, तो आप 3 बार ओम कहने से ही आदि आपका, हमारा ये चक्र जो भव चक्र है ये खुल जाता है, इसमें गणपति है, अब ये बहुत बड़ी डिटेल है मैं क्या बताऊंगी, तो ओम सबसे बड़ी चीज है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबको ये बोलना चाहिए, उससे आपकी क्लीनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आप कुछ करेंगे तो होएगा ना, यू हैव टू डू दिस थिंग ना। बिल्कुल बिल्कुल एग्री, तो करेंगे नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं, कैसे पता चलेगा, आप जैसे जैसे करते जाओगे अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि मैं अंदर से मेरी हार्ट मेरी सोल प्योर होती जा रही है, आप किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी की आत्मा को नहीं दुखा रहे, किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, तो आपको लगेगा कि आप गुनाहगार नहीं हो, आप सबके लिए अच्छा ही कर रहे हो, तो मंत्रों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, ओम में बड़ी शक्ति है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
अगर आप ये मंत्र एक माला रोज करें तो मैं कहती हूँ सक्सेस आपके द्वार पे खड़ी है। महामृत्युंजय का मंत्र करें, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मंत्र वाक्ष, ये आप पूरा करें। Viewers, we have this mantra in Mrityu Vardhanam Urva Rukvi Bandhanat Mrityu Moksha Mamritat. Okay. So viewers, we have this mantra in the comment section. Please see and jap kijiye. और अपने planets का दोष मिटाइए and get the positive energy. तरफ देखिए और रोज बोलिए। सबको बहुत जरूरत है ये। हाँ, सबको जरूरत। बिल्कुल। Thank you, ma'am, for such positivity. It was need of the hour. And we are looking forward for your next session. So, आज का episode आपको कैसा लगा? ये लिख भेजिए हमारे comment section में. और अगर आप Miss Rita Dugal जी से consultation लेना चाहते हैं, तो comment follow करिए Ketchup Moms को and leave a message in our messenger. हम आपको देंगे एक special goodwill discount and code. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वेरी मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर पॉड। थैंक यू।